लेट्स मूव ऑन टू मेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द एग्जाम क्योंकि उसी से मेरिट उसी से रैंक सर्विस उसी से रैंक और परहैप्स उसी से लाइफ एचएस की लाइफ अलग है वीडियो की अलग है तहसीलदार की अलग है सो मेंस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द एग्जाम एंड सबसे बड़ा स्टेज भी सबसे एग्जॉस्टिंग स्टेज भी और प्रॉब्लम क्या है प्री से मेंस के बीच में टाइम कम है इसका मतलब मेंस की तैयारी होती है एक साल पहले जहां आप अभी हैं इफ यू आर राइटिंग नेक्स्ट ईयर मेंस इन लेट्स से अक्टूबर सो आपकी तैयारी आज से होनी चाहिए एवरी पेन स्ट्रोक शुड बी गाइडेड टुवर्ड्स मेंस प्रिपरेशन आज से तभी निकलेगा मेंस नहीं तो निकलेगा ठीक है सो थ्री द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल एसे थ्री पेपर्स जेएस 1, 2, 3 टू ऑप्शनल पेपर्स मतलब वन ऑप्शनल उसके दो पेपर एंड टू क्वालिफाइंग पेपर्स हिंदी एंड इंग्लिश ये स्ट्रक्चर क्लियर है सब हिंदी एचएएस में बहुत मुश्किल है अच्छे से पढ़ के जाना मेरे को तो हिंदी का ही डाउट था तो पता निकलेगा भी कि नहीं थैंकफुली निकल गया बट हिंदी मुश्किल है यूपीएससी से तो कहीं ज़्यादा मुश्किल है हिंदी इसमें अच्छे से पढ़ के जाना मेरा स्टैंडर्ड सोर्सेज अवेलेबल मार्केट में जो बुक का नाम नहीं आ रहा बट है आप पूछेंगे तो मिल जाएगी वो कि एचएएस के लिए हिंदी के लिए चाहिए अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि हिंदी नहीं निकला तो बाकी जो पेपर दिए हैं वो चेक नहीं होंगे कोई पॉइंट नहीं इंग्लिश स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर रीडिंग आप करते होंगे ईजी ग्रामर लेटर वेटर लिखना आता है उसका फॉर्मेट देख लेना लेटर का फॉर्मेट क्या होता है तो उतना ही थोड़ा बहुत ग्रामर थोड़ा बहुत सेंटेंस मेकिंग वो सब कर लेते हैं स्टेज पे सब कर लेते हैं लेट्स मूव ऑन टू समथिंग व्हिच इज रियली क्रूशियल एसे एसे एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपका रैंक डिसाइड करेगा है ना क्यों क्योंकि जीएस 1, 2 और 3 में सारे एक ही कंटेंट लिखेंगे कॉमन पेपर्स इसीलिए होते हैं जो वेरिएशन है ना कैंडिडेट्स में वो नहीं बन पाती वेरिएशन बनती है ऑप्शनल में और एसे में वेरी इंपॉर्टेंट एसे हैव यू रिटन एसेज आप लिख रहे हैं एसेज किसने लिखा है उस लेवल का एसे अभी तक डू यू नो व्हाट एन एसे इज कैसे अप्रोच किया जाता है एसे नहीं नो नॉट येट इस बार आपने टॉपिक्स देखे एसे के एचएस में जो आए हैं वो भी नहीं आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं अभी जैसे ही क्वेश्चन पेपर रिलीज हो आपके पास वो क्वेश्चन पेपर आना चाहिए एंड यू शुड स्किम थ्रू इट इमीडिएटली क्या पूछा क्या है दैट वाज माय स्ट्रेटजी चाहे मैंने उस टाइम अटेम्प्ट किया नहीं किया पेपर जिस दिन आया मैंने देखा कि पूछा क्या है सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव रिटन अबाउट द पॉवर्टी एसे एंड द यूएनओ वाला एसे अब आपने देखा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं है बट एक दो एसे लिखने होते हैं तो पता है पावर्टी वाला ऐसे पावर्टी का टॉपिक था पावर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम समथिंग लाइक दैट और यूएनओ का था कि यूएनओ की इम्पोर्टेंस क्या है राइट तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एक ऐसे में इफ समबडी कैन गिव मी एन इनपुट देन आई टेल कि क्या होना चाहिए यस सर कैन आई सर हां जी प्लीज प्लीज यस सर स्टार्टिंग में वी कैन कोट समबडी हां तो किसके बड़े आदमी का कोट कर सकते हैं या किसी बुक का रेफरेंस दे सकते हैं राइट थोड़ा अच्छे इंप्रेशन के लिए राइट और उसके बाद जो जीएस में पढ़ते हैं वो कैन इंक्लूड द इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स हां हिस्ट्री एंड एवरीथिंग वी कैन इंक्लूड एंड यू कैन दे कैन बॉडी प्रॉपर राइट 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 यू आर क्वाइट क्लोज वैसे आई मस्ट से ऐसे ही रहता है जो ये कह रहे हैं शुरू में रेफरेंस देना है दैट इज कॉल्ड द बुक आपको बुक करना है एग्जामिनर को कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है ये है मेरी To give you an example, UPSC में मैंने स्कोर किया है अराउंड 140 के आसपास विच इज अ गुड स्कोर इन एसे तो उन्होंने कहा क्वेश्चन था 2018 में दैट कस्टमरी मोरालिटी इज नॉट अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं इसमें सो आई मेड यूज ऑफ महाभारतास कॉन्टेक्स्ट जिसमें अश्वत्थामा का डेथ हुआ था आप लोगों को शायद आइडिया होगा सो आई फर्स्ट जो मेरा इंट्रोडक्शन था दैट वॉज कि भाई अश्वत्थामा की जो डेथ हुई थी उसने हाफ ट्रूथ यूज किया बाय युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के लिए कि अश्वत्थामा की डेथ हो गई है एंड अश्वत्थामा द्रोणा के बेटे का भी नाम था और एक हाथी का भी नाम था तो युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा इज डेड बट उसने हाफ ट्रूथ बोला उसने ये नहीं बताया कि दैट अश्वत्थामा इज द एलिफेंट
not your son. So that brought Drona down to earth और फिर Drona की death कर उन्होंने मार दिया Drona. मैं क्यों बता रहा हूँ ये? Because ये मेरा hook था. Customary morality is not a guide to modern life was the doctrine. I use this anecdote which says कि half truth को use किया कृष्णा के थ्रू यूज किया गया और उसको वैलिड माना गया. कृष्णा ने बाद में बोला कि ये जो हाफ ट्रूथ है ये ठीक है, इट इज मॉरल. बट मैंने उसको लिंक ये किया कि जो आज की डेट में हम हाफ ट्रूथ बोलते हैं वो मॉरल नहीं है. लिंक मैंने उसमें ये किया कि मॉब लिंचिंग्स में हाफ ट्रूथ यूज हो रहा है विच इज नॉट मॉरल. लोग मर रहे हैं हाफ ट्रूथ बोलने से. आई यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि क्या मैंने कहा अभी? थोड़ा सा ये हाई लेवल है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है इसके लिए. हाई लेवल कुछ नहीं होता, थोड़ा पढ़ना पड़ता है. आई यू गेटिंग एन आइडिया कि मैंने कैसे उसको क्वेश्चन के टॉपिक से लिंक किया? एक और एग्जांपल देता हूँ. यूपीएससी ने इस बार पूछा था, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमेन. इज द टॉपिक क्लियर? तो मैंने इसमें लिखा था एल्फ्रेड नोबल का एग्जाम्पल दिया था मैंने कि एल्फ्रेड नोबल, you know who Alfred Nobel is? Yes, sir. हाँ, जिन्होंने Nobel Prize start किया है. तो he used to make detonators and explosives. ठीक है? एक बार एक newspaper में छप गया कि भाई the merchant of death is dead. French newspaper में छपा. वो था कि भाई Alfred Nobel is dead. Alfred Nobel was not dead. His brother was dead. तो newspaper ने गलती से छाप दिया. अगले दिन Alfred Nobel ने न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ी, हेडलाइन पढ़ी, वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार बताओ मेरा ये इंप्रेशन है दुनिया में कि आई एम द मर्चेंट ऑफ डेथ. सो दैट चेंज ऑफ हार्ट मेड हिम मोर ह्यूमेन. ही सेड कि मैं ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा कि जो लोग मेडिसिन की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं उनको प्राइज दूंगा ह्यूमैनिटी के लिए जो कुछ कर रहे हैं, राइट? सो माय पॉइंट इज कि मैंने ये हुक दिया था अपने एसेज में. ठीक है, तो एल्फ्रेड नोबल वाज ह्यूमन से ह्यूमेन की जर्नी एल्फ्रेड नोबल की ऐसे रही. पॉइंट बीइंग कि आपको एसे के टॉपिक के साथ साथ अपना हुक देना है. द फर्स्ट थिंग विच वुड कैच द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर, इट कैन बी अ स्टोरी, इट कैन बी अ बुक रेफरेंस. यूएनओ के टॉपिक में जो एचएस में आया, मैंने उसमें फ्रांसिस फुकुयामा की बुक है 1990s में लिखी है, एंड इट सेज कि जो लिबरलिज्म है ना, इट इज द एंड ऑफ हिस्ट्री एज अ पॉलिटिकल फिलोसफी. इट इज द एंड ऑफ हिस्ट्री. व्हाट वी ओनली रिक्वायर इज गुड इंस्टीट्यूशंस. और खैर आज के कॉन्टेक्स्ट में अब वो सही नहीं जा रहा है, लिबरलिज्म से हम आगे जा रहे हैं. बट मैंने वो यूज इसलिए किया कि भाई इंस्टीट्यूशंस हमें अच्छे चाहिए, फिर वो हुक बना के कि भाई यूएन का ग्लोबल गवर्नेंस में एज एन इंस्टीट्यूशन क्या रोल है. तो मेरा बुक ये था, मेरी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ये थी फुकुयामा की बुक से कि भाई लिबरलिज्म, अच्छे इंस्टीट्यूशंस, एंड देन कमिंग टुवर्ड्स यूएन, राइट? इज दैट क्लियर? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर कैची ऐसे नहीं होगा तो आप शुरू से ही एग्जामिनर के फोकस से हट जाएंगे. ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने पॉइंट आउट किया, बेसिकली बॉडी के अंदर जब हम जाते हैं, इट शुड बी अ मल्टी डायमेंशनल एसे. मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है राइट टेक्सटेल पीईजी STEL. So PEG STEL is politics, economics, geography, science, technology, environment and law. ठीक है, ये है dimensions. ये है डायमेंशन, टेक्सटाइल अप्रोच को बोलते हैं. बोलते इसलिए बिकॉज सारी डायमेंशन खुल जाती हैं. तो अगर आप पॉवर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम वाला टॉपिक जो इस बार में लिखा था, उसका आप पॉलिटिकल एंगल दें कि पॉवर्टी का पॉलिटिकल एंगल क्या है. शायद कहीं ना कहीं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, जो हमारी इतनी स्कीम्स हैं उसके बावजूद अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है या उनकी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तभी तो हमारे जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है वो अभी भी वीक है, अभी भी पावर्टी लेवल पे है. आप इकोनॉमिक एंगल दें कि भाई पावर्टी एक ऐसी चीज है जो हमने नरेगा भी चला दिया, सब कुछ कर दिया, बट क्या कोई इकोनॉमिक इंटरवेंशन मिसिंग है अभी भी उसमें? सो आप उसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी बात कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि
the time for this idea has come. This idea is the universal basic income idea. That is the economic angle to poverty. Getting it? What is the geographic angle to poverty? Very important. African nations kyun poor hai? Europeans kyun rich hai? Hamara Bengal, Bihar ki taraf poverty zyada kyun hai? Punjab, Haryana prosperous kyun hai? Have you thought over these questions? Because these are dimensions jo aayenge. If I quote Arvind Adiga in this, write it down, I help karega aapko. Arvind Adiga ne White Tiger mein kaha hai ki India एक ऐसा लैंड है विच हैज टू एक्सट्रीम्स. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही वो लाइन, बट ही सेड कि जो रिवर है इट ब्रिंग्स डार्कनेस टू माई कंट्री एंड जो सी है इट ब्रिंग्स लाइट. यू नो आई ट्राइंग टू कनेक्ट टू मी. इसका मतलब क्या है? कैन एनीबडी टेल मी इसका मतलब क्या है? यस सर. हाँ जी बताइए. Like seas we can do, from seas we can transportation. Absolutely. Trade कर सकते हैं हम seas से. Absolutely. Seas के through trade we can do. And from river side because of flood side or maybe the darkness side. बिल्कुल बिल्कुल यार, absolutely right. Now this is the geographic angle which Arvind Adiga and his White Tiger brought. And he is absolutely right कि sea जहाँ है, हमारा peninsula है, south के हमारे states हैं, उनके पास trade का option है. वो कभी साउथ ईस्ट एशिया को सामान भेज देते हैं, कभी दुबई को सामान भेज देते हैं. हम जो यहाँ नदियों के आसपास बैठे हुए हैं, चाहे यूपी है, चाहे बिहार के लोग हैं, या चलो हिमाचल का टेरेन थोड़ा सा अलग है, बट ऑल्सो हिमाचल, हमारे पास अगर सी का एक्सेस नहीं है तो हमारी प्रॉस्पेरिटी कम है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आती है ट्रेड से, और ट्रेड के लिए चाहिए आपको सी का एक्सेस. सो डू अप्रिशिएट दिस एंगल? ये ज्योग्राफिक एंगल है कि भाई ज्योग्राफी कैसा फर्क लाती है पॉवर्टी, राइट? उसके बाद एस मैंने बताया था, एस इज साइंस, है ना? तो साइंस में तो आप हर चीज में पिक्सल लगेगा भी नहीं, पावर्टी को आप साइंस से कैसे रिलेट करेंगे? बट आप रिलेट कर सकते हैं. एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. बैंडीकूट इज अ रोबोट जो मैनुअल स्केवेंजिंग करता है. सो बैंडीकूट रोबोट को हम यूज करके मैनुअल स्केवेंजिंग को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअल स्केवेंजर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा पुअर होते हैं हमारे. Do you appreciate this point? आप समझ रहे हैं? Bandicoot एक रोबोट है जो manual scavenging करता है, और manual scavenging एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और जो लीगली बैड है, बट फिर भी हमारे देश में हो रही है, और उस वजह से लोग पावर्टी के सर्कल में हैं. सो क्या हम उन लोगों को Bandicoot को सिटीज में लगा के क्या हम उन लोगों को रिहैबिलिटेट नहीं कर सकते, और उनको कहीं और बेटर एवेन्यूज में डाल के इनकम लेवल्स राइज करवा सकते हैं? Do you appreciate this? ऐसा हो सकता है ना. सो ये है साइंस. फिर एक्सेल में मैंने टेक्नोलॉजी बताया, तो यही बैंडीकूट वाला एग्जांपल. एनवायरनमेंट से एज सच कुछ बहुत कुछ लिंक नहीं है पॉवर्टी में, बट हाँ जैसे ट्राइबल्स हैं वो अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचते हैं, राइट? तो कॉलोनियलिज्म से ये हिस्ट्री रही है कि ट्राइबल एरियाज में जब रिजर्व फॉरेस्ट रहते हैं, उन फॉरेस्ट को जब हमने काटना स्टार्ट कर दिया है, तो ट्राइबल का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो वो बेच सकता था वो उसके पास नहीं है. तो एनवायरनमेंट का ये बेनिफिट है कि ट्राइबल डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट के साथ जो हार्मनी है ट्राइबल की और जो उसकी इनकम है वो इंपैक्ट होती है, उससे पॉवर्टी बढ़ती है, राइट? आई एम मेकिंग सेंस टू यू, है ना? नेक्स्ट इज एल. एल इज द लीगल पार्ट, लॉ, है ना? टेक्सटाइल में एल लॉ है. लॉ में क्या है? नरेगा एक्ट है 2005 का. नरेगा एक्ट की वजह से फायदा क्या है? इट बिकम्स जस्टिसेबल. यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ अगर आपको वेजेस नहीं मिल रही है. सो एक है टूल पॉवर्टी को एलिवेट कर, अपना हटाने का, एलिवेट करने का है ना टूल, आप समझ रहे हैं? वैसे ही एक आइडिया है कि क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम को हम लॉ बनाए, या इनफैक्ट फार्मर प्रोटेस्ट, वो बोल रहे हैं कि एमएसपी को लॉ बनाओ. आपको लगता है कि एमएसपी को लॉ बनाना चाहिए? आपको फार्मर की साइड से लगता है कि हाँ यार, फार्मर को लगता है अगर ये लॉ बन जाए तो मेरे को एमएसपी मिलता रहेगा, और जब एमएसपी मिलता रहेगा तो मेरी इनकम बेटर होती रहेगी, तो मैं पॉवर्टी सर्कल से बाहर आता रहूंगा, राइट? सो दीज आर द डिमेंशन जो हम यूज करते हैं पिक्सल अप्रोच बॉडी में एस से. क्लियर? देन द कंक्लूजन पार्ट.
अच्छा टेक्सटाइल हमेशा जो भी प्रिवेंशन आपने लिखी है टॉपिक को बार बार देख के टॉपिक से बाहर नहीं जाना है. इफ पावर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम इज द टॉपिक तो आपको सोशल एंगल भी देना है. एस इज सोशल एक्चुअली टेक्सटाइल में ना, एस इज नॉट साइंस, एस इज सोशल क्योंकि टी में तो टेक्नोलॉजी आएगा ना वो दैट इज साइंस एंड टेक. तो सोशल तो है ही सारा वेरी इंपॉर्टेंट एंगल टू बी कवर्ड. पावर्टी तो है ही एक सोशल फिनोमेना, इकोनॉमिक फिनोमेना भी है. आपको पता होना चाहिए कि पावर्टी सोशल है कि इकोनॉमिक है, दोनों है. और अगर आपको रिलेट करना है तो बेस्ट है रिलेटेड टू थिंग्स लाइक फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी. फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी आप समझते हैं क्या होता है सर? हाँ जी रिपीट करना प्लीज. फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी. यस सर, यस सर. हाँ जी, जैसे हमारी जो हाउस वाइफ्स है, हाउस वाइफ्स जिनकी लेडीज है, हाँ, जो बहुत कम 0.8 मिलियन लोग है, हाँ, पर ईयर का. राइट, आपने क्या दिया है पेपर? नहीं नहीं सर, बट मैंने काफी रिसर्च कर ली. वेरी गुड यार, दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू टेक दिस आर्गुमेंट फॉरवर्ड. की अनपेड केयर वर्क बोलते हैं इसको टेक्निकली. जो लेडीज घर पे काम कर रही हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, बट वो भी इट इज एडिंग टू द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी. आप आके तैयारी कर रहे हैं तो आपके मदर ने आपको कुछ खाना दिया है तभी आप आया ना यहाँ पे, फिर उनको उसकी इनकम नहीं है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर पावर्टी. हम तो खैर वेल ऑफ मिडिल इनकम फैमिलीज हैं, बट लोअर रंग पे आप सोचो है कि नहीं. सो दिस इज वन आर्गुमेंट, अनपेड केयर वर्क. सेकेंड कैन बी लैंड रिफॉर्म्स का इशू. विमेन ओनर सिर्फ 13% है इंडिया में, 87% मेल ओनर्स हैं लैंड के. तो जब लैंड ओनरशिप नहीं होगी तो इनकम कहाँ से आएगी? सो दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी एंड दैट इज एस सोशियोलॉजी. आप पावर्टी को कैसे रिलेट करते हो सोशियोलॉजी के साथ. और ऐसे ही आपने सोशियोलॉजी के टॉपिक जैसे कास्ट एंड पावर्टी को रिलेट कर सकते हैं, है ना? समझ रहे हैं आप इस बात को? सो आपको ऐसे ऐसे अप्रोच करना पड़ता है ऐसे को, फिर आपको कंक्लूजन देना पड़ता है. कंक्लूजन बेसिकली आपको ये है कि जो आपने लिखा है उसको सम करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है. एक क्लोजर फीलिंग भी हो और पॉजिटिव. आपको ये लिखना चाहिए कि भाई पावर्टी मदर ऑफ क्राइम जरूर है, पर पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि पावर्टी को हटाया जाए. और एट द सेम टाइम हमारा जुडिशियल सिस्टम भी ध्यान रख रहा है कि क्राइम कम किया जाए. मतलब द पिक्चर शुड बी रोजी. वाई रोजी? बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो और एडमिनिस्ट्रेटर नेगेटिव आदमी नहीं हो सकता. अगर लोग आपके पास आए और यू आर अ पेसिमिस्ट, देयर इज नो पॉइंट. लोग आ रहे हैं और आप उनको काम तो क्या आप बोल रहे हो नहीं जी नहीं, आपका हो ही नहीं सकता. आपकी एक एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है. यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि नहीं जी काम होगा. जो भी तरीका है, जो भी स्कीम है, जो भी आपकी ग्रीवेंस है, हम सही करेंगे. वही आपके आंसर्स में आता है. फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन्स एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन्स. राइट, क्लियर? अच्छा आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है जब ऐसे हम लिखते हैं? इसमें 7 पेज है, यूपीएससी में 14 है. सो स्ट्रक्चर एक ही है. 2 पेज में आप इंट्रोडक्शन डालिए. इसके एचएस में अगर बात करें तो 1.5 पेज में इंट्रोडक्शन डालिए, अगले 2.5 पेज में बॉडी डाल दीजिए, ठीक है? अगले 1.5 पेज में क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए टॉपिक का. मतलब क्वेश्चन था कि यार यूएनओ की रिलेवेंस कम होती जा रही है, राइट? इनफैक्ट मैं आपको एक वर्ड भी देता हूँ, राइट, किंडल बर्गर ट्रैप. ये यूज करना, किंडल बर्गर, KINDELBERGER. इसका मतलब ये है कि यार आपने पता नहीं कितना पढ़ा है, बट फॉरेन पॉलिसी में जो मल्टीलैटरलिज्म का आइडिया है, हाँ, सो मल्टीलैटरलिज्म का आइडिया ये है कि ग्लोबल जो ग्लोबल कॉमन्स है ना, अब जैसे क्लाइमेट चेंज है फॉर इंस्टेंस, ट्रंप ने बोला कि भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं तो क्लाइमेट नेगोशिएशन पैरिस पैक्ट से बाहर जा रहा हूँ. इस तरह के इश्यूज जब होते हैं, सी यूएस को हम आज भी एक ग्लोबल पावर मानते हैं, तो ग्लोबल पावर का फायदा ये है एक ग्लोबल लीडर का,
कि वो ग्लोबल कॉमन्स के सपोर्ट को हेल्प करता है. व्हेन बाइडेन सेड कि हम पेरिस पैक्ट ज्वाइन करेंगे, द एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी वाज हैप्पी अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लीडर कंट्री व्हिच इज टेकिंग फॉरवर्ड द क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव. उससे फाइनेंस भी होगा, टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और हमारी फाइट बेटर होगी. हिंडनबर्ग ट्रैप होता है कि जब एक ग्लोबल लीडर पीछे चला जाता है तो ग्लोबल कॉमन्स हिट होते हैं. दिस इज हिंडनबर्ग ट्रैप. 1950s में ये टर्म आया था जब यूएस और यूएसएसआर में फाइट स्टार्ट हुई थी और इन दोनों ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया, तब ये टर्म आया था. आज भी रेलिवेंट है, आज भी यही फाइट है कि भाई चाइना की अपनी गेम है, अमेरिका अपने तरीके से चला है. वो ग्लोबल पोजिशन नहीं कोई लेना चाह रहा, उससे ग्लोबल कॉमन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है. सो ये टर्म मैंने आपको कहीं आपको यूज हो जाएगा, बट मैं आपको बता ये रहा था कि जब हम कंक्लूजन करते हैं तो एक फ्यूचर नहीं स्ट्रक्चर में क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा था मैं. क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है? यूएनओ वाला टॉपिक आया. टॉपिक कहता है कि भाई यूएनओ तो अब कोई बात नहीं बन रही, कोई इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन नहीं है. तो क्रिटिकल एनालिसिस में आपने लिखना है कि नहीं, ऐसा नहीं है. यूएनओ ने बहुत सारी अच्छी चीजें भी की हैं, पीस कीपिंग किया है, पेरिस पैक्ट बनाया है, अभी ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूएनओ के थ्रू साइन हुई. दिस इज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक, गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज आस्क्ड, राइट? फिर टॉपिक में तो बोल दिया कि यूएनओ में तो काम खराब है, यूएनओ नहीं चलने वाला है, पर आपको दो पेज देने. नहीं, ऐसा नहीं है. यूएनओ ने भी कुछ ना कुछ किया है और अच्छा किया, राइट? फिर ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा था. क्रिटिकल एनालिसिस के बाद थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेशन दे कि यूएनओ को बेटर करने के लिए क्या हो सकता है, राइट? एक डेट पेज ये दे और फाइनली फिर आप कंक्लूड करें फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन के साथ. कंक्लूड करें इसको. आप अगर यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो वही दो दो तीन तीन पेज एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और एचएस के लिए लिख रहे हैं तो दो 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 पेज में, एक डेट पेज में इंट्रोडक्शन, दो पेज में बॉडी, डेट पेज में क्रिटिकल एनालिसिस, एक पेज में सोल्यूशन और फाइनली कंक्लूजन हो जाएगा. यूपीएससी के लिए दो दो पेज एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो उसके लिए वैसे ही कंटेंट चाहिए आपको, राइट? क्लियर? एस एस क्लियर? ऑनलाइन लोगों को भी क्लियर है? यस सर. है ना? उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद जीएस. तीन पेपर. आपको स्ट्रक्चर पता है जीएस का, कि भूलता क्या है जीएस? जीएस लार्जली जो फर्स्ट पेपर है आपका वो हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशियोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व करता है. सेकेंड पेपर आपका फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटी और गवर्नेंस के अराउंड रिवॉल्व करता है. और थर्ड पेपर आपका इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस, एग्रीकल्चर, इनके अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है? पहले मैं सोर्सेज आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने अप्रोच करना है इसमें. जीएस वन के लिए ना हम हिस्ट्री वाला एरिया जो आपने पढ़ा है ना वही पढ़े. एक तो इसमें अब ना मिडिवल और एंशिएंट नहीं पूछने वाले, इसमें आएगा मॉडर्न और कल्चर. वो आपने अपने प्रीलिम्स से तैयार किया है और वही आपको रिवाइज करना है. सेम सोर्सेज को आपने रिवाइज करना है, राइट? देन द न्यूअर टॉपिक इज वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है? अब देयर इज इंस्टीट्यूट दिल्ली में, विजन आईएएस नाम का इंस्टीट्यूट है, उनकी एक ना बुकलेट आती है 200 पेजेस की. आपको भी यहाँ पे कंटेंट मिलता है, आप वो ले लीजिए. मैंने विजन आईएएस का 200 पेज की बुकलेट उठाई और मैंने एक पेज में एक टॉपिक कंप्लीट किया है, तो मेरे पास कोई 25-30 पेज थे A4. 200 पेजेस की बुक में से 25-30 पेज जो मैंने निकाले थे मैं उसी से पढ़ता था, ठीक है? हो सकता है मैं सर के साथ शेयर भी कर दूँ अगर आप कहते हैं आपको चाहिए. वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है? कॉस्ट बेनिफिट बिल्कुल नहीं है. अच्छा, एक आधा सवाल आता है और पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है. आपको सिर्फ एक दिन में एक घंटा देना है नींद से पहले 15 दिन के लिए. फॉर 15 डेज गिव 1 आवर फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज द कॉस्ट बेनिफिट इज नॉट गुड. आप पढ़ेंगे 200 पेज आएगा एक सवाल, ठीक है? नहीं, फिर हिस्ट्री से बाहर आते हैं हम सोशियोलॉजी में जाते हैं. एनसीईआरटी 11th और 12th की चार किताबें हैं. 11th की अगर आपको सोशियोलॉजी का आइडिया नहीं है तब 11th की पढ़ने की जरूरत है, और अगर आइडिया है तो सीधा 12th पे जंप करिए. मेरे को तो नहीं था तो मैंने तो 11th की
इलेवेंथ की पढ़ी थी, ट्वेल्थ की पढ़ी थी, उससे बाहर नहीं जाना है उसे सोशियोलॉजी के लिए, ठीक है। एक इसमें एथिकल गवर्नेंस का भी पार्ट है, जो यूपीएससी एथिक्स का अलग पेपर लेती है, वहां से एक दो टॉपिक्स उठाए हैं इन्होंने और उसमें एथिकल गवर्नेंस डाला है। एक सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल इंस्टीट्यूट है, उनकी बुक आती है, अवेलेबल है मार्केट में, लेक्सिकॉन नाम की बुक है, लेक्सिकॉन LEXICON, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि एथिकल गवर्नेंस होती क्या है, ठीक है। बल्कि आपको ना पता होना चाहिए, मतलब पेपर में बस ये डायग्राम बना देना आपने, ऐसा करना है, यहाँ लिखना है आपने गवर्नेंस, फिर यहाँ आपने लिखना है गुड गवर्नेंस, और यहाँ उसमें डाल देना है एथिकल गवर्नेंस। ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा, मैं सही बना रहा हूँ इस टाइम की नहीं, बट ये है एग्जैक्टली वो डायग्राम जो मैं बनाता था हमेशा, बड़ा हेल्पफुल है। बेसिकली गवर्नेंस है, उसमें अगर कुछ चीजें मीट करें तो वो गुड गवर्नेंस बनती है, और कुछ और चीजें गुड गवर्नेंस में मीट करें तो वो एथिकल गवर्नेंस बनती है, राइट। सो अभी आपको आइडिया नहीं होगा मुझे लग रहा है इन चीजों का, बट गवर्नेंस का जो आपको डेफिनेशन है वो वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है, नेट पे गूगल पे डालिए वो मिलेगा, वही लिखना है, वेरी गुड डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। फिर गुड गवर्नेंस के ना 8 कंपोनेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेटिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, ये इसके वो 8 कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, जब आप गुड गवर्नेंस कर लेते हैं तो फिर एथिकल गवर्नेंस क्या है? एथिक्स एक बड़ी कमाल की चीज है, और उसमें गवर्नेंस का एंगल जो है बेसिकली, सी यार इशू इज कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उन प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते ही ऐसे टॉपिक्स डाले गए हैं कि गवर्नेंस सिर्फ गुड ही नहीं चाहिए, एथिकल भी चाहिए, राइट। आई गेटिंग द पॉइंट, मैं उसमें डिटेल भी नहीं जाऊंगा कि क्योंकि आपके एचएस के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, वैसे नॉर्मेटिव एथिक्स है, मेटा एथिक्स है, वो सारी चीज़ें हैं, बट एथिक्स का थोड़ा सा अगर जिक्र करना चाहूँ, क्योंकि इसमें सिलेबस तो है ही है, तो आप इसमें डाल सकते हैं, क्या डालेंगे, अरिस्टोटल का एथिक्स डाल सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उस बुक से पढ़िए, वो आपको समझ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको फिर मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, जो रेलेवेंट है वही ठीक रहता है ना। वैसे तो अरिस्टोटल, इमैनुअल कांट, ये हैं लोग जिन्होंने एथिक्स के बारे में कहा है, बट वी डोंट नीड टू गो इनटू दिस मच, ठीक है। सो दिस इज GS1, लेट्स मूव टू GS2। द क्वालिटी पार्ट इज लक्ष्मीकांत, एंड जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, वो आप डीडी बासु से पढ़िए, एक एक पेज के टॉपिक्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, आपका एक एनालिसिस बेटर हो जाता है फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, राइट। देन सेकेंड इज गवर्नेंस वाला, सी मेरी जो मैंने बताया विजन IAS इनकी ही आती है, गवर्नेंस का कंपाइलेशन है, उसको मैंने शॉर्ट किया था, आपको लोग अपने यहाँ पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो बहुत अच्छा कंपाइलेशन है गवर्नेंस के टॉपिक्स का, सारा नहीं पढ़ना है, मेंस के टॉपिक्स को देख देख के पढ़ना है कि कौन सा गवर्नेंस के लिए टॉपिक मेरे लिए रेलेवेंट है और कौन से प्रीवियस ईयर आए हैं वहाँ से, दैट वाज द ओनली सोर्स। क्योंकि गवर्नेंस का टॉपिक जो अगर पढ़ना है आपने तो पबैट के लोग पढ़ते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी किताबें हैं, वो मेरे पास तो टाइम नहीं था, और गवर्नेंस की बहुत अच्छी 200-300 पेज की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और हमारे रेलेवेंट चीज़ें बड़ी कम है हिमाचल के लिए, अच्छी बात है, राइट। थर्ड इज द फॉरन पॉलिसी एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर HS एग्जाम, बिकॉज दे आर आस्किंग कंटेम्पररी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज। My source, C. Rajamohan articles on Indian Express and Suhasini Heather, Subramanian Swami hai, unki beti hai Suhasini Heather, unki articles hai foreign policy pe. Very good articles in the Hindu, she writes. ठीक है, third is जो ambassadors articles लिखते हैं, कुछ दिन पहले India US का issue था, तो Iran US का issue था, JCPOA, do you know what is it? P5+1D, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्ब किया है, उस पर अब इशू चल रहा है, बिकॉज ट्रंप ने तो बोला आई एम आउट ऑफ JCPOA, बट डेमोक्रेट्स अंडर बाइडन दे वो रिवाइव कर रहे हैं JCPOA,
उसमें टीपी श्रीनिवासन हमारे इंडियन फॉरन सर्विस के एम्बेसडर रिटायर्ड है, उनका आर्टिकल था हिंदू में, ऐसे आर्टिकल हेल्प करते हैं बिकॉज फॉरन पॉलिसी इतना स्पेशलिस्ट एरिया है कि अपने मन से तो बिल्कुल कुछ मत लिखना, एक्सपर्ट ओपिनियन आर्टिकल्स ऑफ लेट्स से फॉरेन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अगर फॉरेन सेक्रेटरी का कोई भी आर्टिकल किसी भी टॉपिक में मेरे उठा लेना बिकॉज दैट इज द पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ, जो भी उन्होंने कहा है ठीक है। और कोई किताब में इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये कंटेम्प्ररी है, फॉरन पॉलिसी इज अ कंटेम्प्ररी एरिया। सो सी राजा मोहन आपने पता नहीं, वॉट वॉट न्यूज पेपर्स आर यू रेफरिंग बाई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था और ट्रिब्यून फॉर हिमाचल। अच्छा फॉर हिमाचल स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा मत पढ़ लेना न्यूज पेपर्स में, थोड़ी रेलिवेंस नहीं है फ्रेंकली, जितनी यूपीएससी की डिमांड है ना उतनी डिमांड नहीं है। तो इंडियन एक्सप्रेस तो तभी खोलना जब सी राजा मोहन का आर्टिकल हो या एक्सप्लेन्ड वाला जो क्वेश्चन आता है एक पेज आता है एक्सप्लेन्ड, वो जरूर देख लेना, वो बड़ा अच्छा है, वो प्रीलिम के हिसाब से भी, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस इज ट्राइंग टू मेक इटसेल्फ रेलेवेंट टू यूपीएससी प्रिपरेशन बेसिकली, इसलिए उन्होंने एक्सप्लेन्ड का आर्टिकल एक्सप्लेन्ड का क्वेश्चन निकाला, एक पेज का होता है, उसमें प्री स्पेसिफिक कंटेंट भी मिल जाता है मेंस का भी मिल जाता है, बट डोंट रीड एक्सप्रेस ओपिनियंस वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा हिंदू ओपिनियंस में भी ना स्पेशली द एडिटोरियल पार्ट लास्ट के 4-5 लाइंस आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड लाइंस, तो कहानी पढ़ने के अलावा अगर आप 4-5 लाइनें लास्ट की पढ़ लें आपको सॉल्यूशन मिल जाता है राइट। पर हिमाचल स्पेसिफिकली हिमाचल में मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की जरूरत है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ आपको एनालिसिस चाहिए होता है वो मैं आपको बता दूंगा। बट लेट्स मूव ऑन टू GS3 नाउ द इकोनॉमिक्स पार्ट। आप रमेश सिंह पढ़ ही रहे हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है, वॉल्यूम 1 ऑफ द सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉलिसी सजेशन बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वॉल्यूम 2 इज द फैक्चुअल डाटा ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है। तो दोनों ही हेल्प करता है आपको इकोनॉमिक्स के जब आंसर लिखने पड़ेंगे GS3 में तो आपको फैक्ट्स चाहिए। फैक्ट मतलब कि इंडिया की GDP इस टाइम कहाँ है, अगले साल की प्रोजेक्शन क्या है। कोरोना के टाइम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे, वी शेप रिकवरी, लिख लो है ना, वी शेप रिकवरी, आप समझ रहे हैं वी ये होता है ना, तो इसका आर यू गेटिंग द पॉइंट। जैसे ही पैंडेमिक स्ट्रक किया तो इकोनॉमिक रिकवरी बड़ी प्रेसिपिशियस डिक्लाइन लिया उसने एकदम नीचे, पर लॉकडाउन खुलने के बाद अब रिकवरी थोड़ी सी बढ़ रही है। बट पॉइंट ये है कि डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही है तो एक्सपेक्टेशन है कि जितने इससे गिरा था उतने उससे उठेगा, वी शेप रिकवरी यूज करना है ठीक है। एक के शेप रिकवरी भी है बट ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे। वी शेप बहुत अच्छा वर्ड है, इकोनॉमिक सर्वे के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो भी इस बार मीन्स लिखोगे उसमें ये वर्ड डाल दें, इट इज सो हेल्पफुल राइट। इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह के बाद इकोनॉमिक सर्वे का छोटा कंपाइलेशन, और अगर टाइम है तो पूरा पड़ेगा वॉल्यूम 1 एटलीस्ट। वॉल्यूम 2 से आपने फैक्ट्स उठाने हैं मेंस के सिलेबस को देख देख, सपोज आपको उन्होंने पूछा है शायद स्किल इंडिया पे पीएम या इरिगेशन पे पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 2 आपको कैसे हेल्प करता है, स्किल इंडिया में अभी तक इस साल क्या हुआ उसके टॉप उसके फैक्ट्स अवेलेबल होंगे इकोनॉमिक सर्वे में कि भाई स्किल इंडिया में इतने हमारे लोग स्किल हो चुके हैं, वो लेटेस्ट फैक्ट है जो आपको कोट करना है अपने आंसर में GS3 में ठीक है। ये फायदा होता है इकोनॉमिक सर्वे का।
इसके बाद फिर हम वी आर मूविंग टू इन्वायरमेंट वाला पार्ट करते हैं. GS3 में इन्वायरमेंट वाला पार्ट आएगा. आप शंकर आयस पढ़ ले वो बहुत है वैसे, बट आई थिंक यू शुड कॉम्प्लीमेंट इट विद करंट अफेयर मैगजीन्स. आपके लोकल अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट में कोई मैगजीन अगर मिल रही है उससे भी आप कंटेंट उठा सकते हैं एनवायरनमेंट का. और अगर नहीं तो मेरा सोर्स तो विजन का था, उनके कंपाइलेशन आती है PT 365 mains 365, तो वहाँ से मैं उठा पाता चला. ठीक है, साइंस का HAS में तो बड़ा स्पेसिफिक है स्पेस वाला क्वेश्चन, मेरा तो विजन 365 में मेन्स 365 में स्पेस वाला क्वेश्चन शुरू से अभी तक जो भी इंडिया ने स्पेस प्रोग्राम में किया है वो उन्होंने दिया हुआ है, वही उठाना है वही करना है. आपके पास अपना कोई सोर्स है वो ले लीजिए, वैसे वो कंपाइलेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ मिल जाएगा. साइंस आ गया, एनवायरमेंट आ गया, पंकज गर्ग एक बार जरूर देख लेना यार, मेरे को ना अच्छी लगी. लोग खैर मेरे को बोल रहे हैं यार शंकर बहुत है, बट यार फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर की किताब थोड़ी सी रिलैक्स मेड है ना, तो वो जरूर देख लेना एक बार. और सारा नहीं देखना है तो वेस्ट मैनेजमेंट देख लेना, उसमें से बायोडाइवर्सिटी देख लेना. और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कन्वेंशंस का, UNFCCC क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं. ही इज कवर्ड इट प्रीटी वेल राइट. एंड मतलब बात होती है अथॉरिटी किसकी है, बुक में फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है तो कुछ तो बात होगी, तो देख लेना एक बार. पंकज गर्ग मेरे को तो काफ़ी हेल्प किया उसने, मैंने तो शंकर खोली नहीं HAS मेंस के लिए, सारा मैंने उन्हीं के बुक से पढ़ा, पंकज गर्ग से. इन्वायरमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, साइंस तो मैंने आपको बताया, आपने जिनका कंपाइलेशन देखा है. एग्रीकल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है HAS में, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ आपको फेमिलियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो लेटेस्ट है ऑर्गेनिक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए. अब यार मेरा सोर्स तो कुरुक्षेत्र था इसके लिए. अब कुरुक्षेत्र आप लोग पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं, पढ़ने थोड़ी सी मुश्किल है. यू नो व्हाट इज कुरुक्षेत्र, यू नो व्हाट इज योजना, योजना की बहन है कुरुक्षेत्र. तो योजना इज स्पेसिफिक ऑन द अपकमिंग इश्यूज, कुरुक्षेत्र इज स्पेसिफिक ऑन एग्रीकल्चर इश्यूज. दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन है, तो कुरुक्षेत्र थोड़ी सी ज्यादा है. एग्रीकल्चर आप आई डोंट नो कहाँ से कवर करना चाहिए आप लोगों को, बट मेरा सोर्स कुरुक्षेत्र था और मैं उससे बाहर नहीं जाता था, क्योंकि जो जो इंडिया के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्रीफ कर रहे हैं वही उस पर लिख रहे हैं, तो उससे बेटर सोर्स क्या हो सकता है. तो या फिर आप PBCS देखिए और उससे अगर कुरुक्षेत्र में कुछ रिलेवेंट लगता है तो वहाँ से पिक कीजिए, या फिर विजन विजन में ढूंढना पड़ेगा ये प्रॉब्लम. But my source was Kurukshetra, always, right? So this is GS 1, 2 and 3. Achha, anybody from law optional here? Anybody online law optional? Nahi, awaaz nahi aa rahi. Tum ki bhi nahi aa rahi jo answer de rahe ho. Awaaz aa rahi hai meri? Ye aa rahi hai sir, but no sir. Koi nahi hai. To fir optional ka to maine kuch batana nahi hai aapko. Main aapko ye bata deta hu ki maine optional choose किया क्यों लॉ. मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज मैं लॉयर हूँ. ठीक है, पॉइंट ये है कि जो मैंने जिस चीज में ग्रेजुएशन की है उसमें मेरी पकड़ है. तो आपका ये क्राइटेरिया भी रह सकता है. कईयों का होता है कि यार हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ी, सोशोलॉजी की पढ़ी, अच्छी लगी यार सोशोलॉजी, अच्छा लग रहा है वो पढ़ लेते हैं. कई बोलते हैं यार लक्ष्मीकांत पढ़ ली, फॉरेन पॉलिसी पढ़ ली, अच्छा लग रहा है पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं. कई ट्राइबल इशूज को बड़ा पसंद करना शुरू कर देते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं. सो अपना अपना प्रेफरेंस है. वैसे इस रूम में क्या है लास्ट ऑप्शन क्या है ये मत कहना आपने डिसाइड नहीं किया, बिकॉज इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड सो आप रेस से बाहर है, सीधी बात है. इट इज सारे डिस्कशन विद योर गाइडलाइन बिकॉज ऑप्शनल इज द की. यू हैवंट डिसाइडेड सीरियसली आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री अच्छे हैं, गुड ऑप्शन बस बाकी हिस्ट्री आपने भाई UPSC वाले ज्योग्राफी
क्वालिटी पॉलिटिकल यस ये बीएसआई है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस सर पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस ना पॉलिटिकल और पॉलिटिकल से बड़ा फर्क है पॉलिटी इज नो ऑप्शन बाय द वे है ना ज्योग्राफी बहुत बड़ा ऑप्शन है अच्छे से पढ़ना ढंग से पढ़ना बीएसआई उससे बड़ा ठीक है अच्छे से करना सी पॉइंट इज कि ऑप्शनल आपको लास्ट में रिवाइज होना चाहिए मैंने शुरू में अभी कहां से बात कर रहे थे मैंने कहा था एसए डिफरेंशिएटर है जीएस डिफरेंशिएटर नहीं है क्वेश्चन जो आप लिखेंगे वही आप लिखेंगे जीएस में आप फर्क कहां डालेंगे अपने एसए में और अपने ऑप्शन में तो बहुत सोच समझ के ऑप्शन चूज करना क्योंकि वो डिफरेंशिएटर है होता क्या है जब मेरिट बनती है 17-18 लोगों की तो जो ऊपर लोग होते हैं ये लोग डिफरेंशिएट करके आते हैं यहाँ तक डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अपने एसए से अपने ऑप्शनल से और अपने इंटरव्यू के स्कोर्स ठीक है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एचएससी बनना है ना आपने है ना अगर अगर आपने नीचे आना है तो चलो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर एचएस बनना है टॉप में आना है टॉप 3-4-5 में आना है तो एसए ऑप्शनल इंटरव्यू तब बनेंगे एचएस मैं भी बताता हूँ और आईएएस बनना है तब बिल्कुल यही चीज़ है आईएएस में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी अनदर ई विच इज एथिक्स दैट्स ऑल्सो द डिफरेंशिएटर राइट सो एसए ऑप्शनल एंड इंटरव्यू तो डिसाइड नहीं किया तो कर लीजिए और कर लिया है तो पढ़ लीजिए आज से ठीक है इसके अलावा व्हाट शुड आई डिस्कस मोर अबाउट कुछ मैं अपने सोर्सेज और बता देता हूँ आपको हिंदू और एक्सप्रेस मैंने बताया और ट्रिब्यून हिमाचल के लिए बट आपने हिंदुओं की तरफ या एक्सप्रेस की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है फॉरन पॉलिसी आपको यहीं से पढ़नी है ठीक है इकोनॉमिक सर्वे आपको हेल्प करेगा इकोनॉमिक्स के करंट अपडेट्स के लिए ठीक है उससे ज़्यादा नहीं ज़्यादा इकोनॉमिक्स के पेज में नहीं घुसना है वो लास्ट में आता है टाइम नहीं वेस्ट करना है और गेट आपको हिमाचल में तो क्या मैं कहूँगा एक घंटे का पेपर छोड़ देना एक घंटे का छोड़ देना 9 बजे स्टार्ट किया 10 बजे छोड़ दिया फिर बाकी चीज़ें ठीक है मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मैं 9 बजे बैठता था और 6 बजे का पेपर ही पढ़ रहा था राइट लुक एट द टाइम वेस्टेज आए जो तो मैंने किया है आपने ऐसा नहीं करना खासकर और यूपीएससी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 2 आवर्स एंड कवर इट फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट वन पेपर हिंदू या एक्सप्रेस बट सारी मैं कहूँगा फर्स्ट से लास्ट तक कुछ चीज़ें पिक करनी पड़ती हैं मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ फ्लड आ गया ठीक है गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई डीसी साहब ने एक्सप्रेशिया पेमेंट दे दी आपको ये न्यूज़ रहेगी रेलिवेंट आपके एथिक्स केस स्टडी में आपको डालना पड़ेगा वो पूछते हैं आप डीसी हैं फ्लड आ गया क्या करोगे ये करोगे कहाँ से पता चलेगा चौथे पेज पे आएगी ये खबर समझ गए मेरी बात लोग कहते हैं नहीं यार शुरू के टॉपिक्स तो शुरू के पेज तो काम के लिए हैं काम के सरकार क्या कर रही है वो समझना पड़ेगा एथिक्स केस स्टडी के लिए हो सकता है बाकी न्यूज़ काम की ना हो राइट सो क्या एचएस देने में तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट फॉर यूपीएससी केस स्टडीज हमेशा देखना गवर्नमेंट क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है एसडीएम ने क्या किया डीसी ने क्या किया एसपी ने क्या किया राइट सो दीज आर माई सोर्सेज लार्जली फॉर जी एस परफॉर्मेंस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि मेन्स की परफॉर्मेंस कैसे करते हैं सी यार आपकी तो राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए ऐसे कोई बहुत अच्छी राइटिंग भी नहीं चाहिए मेरे तो क्या बहुत अच्छी है मेरी देख लिया आप लोगों बहुत अच्छी चाहिए मेरी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है पेपर कम्प्लीट होना चाहे वो कोई भी पेपर है यूपीएससी है एचएस पेपर तो कम्प्लीट होना ही होना क्योंकि 28 सवाल है एचएस में आप 26 करके आए तो 2 से 2 क्वेश्चन से तो आप ऑलरेडी पीछे हो गए अपने कंपेटिटर्स सो द पेपर हैज़ टू बी कम्प्लीटेड एंड ईजियर सेट देन डन पेपर कम्प्लीट करना आसान नहीं होता प्रेशर होता है सोचना ज़्यादा पड़ता है सो व्हाट इज द रिकमेंडेशन टू राइट आंसर्स राइट मैंने एचएस के स्पेसिफिक आंसर्स तो नहीं लिखे हैं मेरा तो आईएएस का मेंस था आप लिखना चाहें तो आप लिखिए केएससी एक वेबसाइट है वैसे वो एक एक दिन में एक एक आंसर लिखने का ऑप्शन दे रहे हैं और उसे एक दो दिन में चेक करके देते हैं पर आई मेरे हिसाब से आप अपने इंस्टीट्यूट में आंसर्स लिख के सर को दिखाएं वो ज़्यादा हेल्पफुल है ठीक है क्योंकि एचएस स्पेसिफिक बात करें कोई लोग इनसाइड्स कर रहे हैं
सर बहुत ज़्यादा है, वैसे तो मैं पूछता ही था कितना नहीं है यार, एक बार पता होना चाहिए कि आंसर लिखते कैसे। थ्री थिंग्स टू आंसर, स्ट्रक्चर एंड द प्रेजेंटेशन, थर्ड इज द कंटेंट बेसिकली। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? यू हैव अ क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर इज इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज रेलेवेंट टू व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट? भाई क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस पे इंडिया का क्या स्टैंड है, क्वेश्चन आया। इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि लेटेस्ट नेता से वो था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लेटेस्ट कहा है कि हम पेरिस पैक्ट के जो हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम मीट करने में, ये तो ओनली G20 कंट्री, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का स्टेटमेंट आया कि पेरिस पैक्ट में जो हमने चीज़ें पूरी करनी है उसमें इंडिया इज ओनली G20 कंट्री जो उन चीज़ों के नज़दीक पहुँच रहा है उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ये इंट्रोडक्शन रेलिवेंट टू द क्वेश्चन एंड कंटेम्पररी, राइट? और इट कैन बी अ डेफिनेशन, राइट? कि भाई क्वेश्चन है कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुए हैं, ट्रेस द जर्नी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। Give an example, give a definition of land reforms, right? दो चीज़ दो तरीके होते हैं, या तो आप मैं तो वैसे कंटेम्पररी ज़्यादा फोकस करता था, बट डेफिनेशन एक रोज भी अच्छी होती है, उससे पता चलता है एग्जाम्पल को क्या कंसेप्चुअली साउंड बन रहा है। और कंटेम्पररी तो मैंने आपको बताई दिया। फिर आपने जाना है बॉडी की तरफ। बॉडी इज ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल, पिक्सल वहाँ भी रहता है, मल्टी डायमेंशनल चीज़ें लिखनी होती है। इंडिया की क्लाइमेट चेंज की इंडिया क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है कि भाई मिनिस्ट्री ये इनिशिएटिव ले रही है तो पॉलिटिकल आ गया, ठीक है। इकोनॉमी वाइज हम ऐसे कर रहे हैं कि हमने इंडस्ट्रीज को बोल दिया है कि भाई आप अपने एमिशंस को रिड्यूस करो, वो इकोनॉमिक आ गया। तो जितनी मैक्सिमम आप डायमेंशंस देंगे बिकॉज फाइनली सिविल सर्वेंट इज समबडी हु इज मल्टी डायमेंशनल इन हिज अप्रोचेस। आप जर्नलिस्ट बनने जा रहे हैं, यू आर नॉट अ स्पेशलिस्ट। तो जर्नलिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो मल्टी डायमेंशनल चीज़ों से सोचता है चीज़ों को और फिर एक डिसीजन लेता है। सो बॉडी में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट, एंड देन कंक्लूजन विच शुड बी फ्यूचरिस्टिक। क्लाइमेट चेंज की बात कर लें तो भाई इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है और इट इज एक्सपेक्टेड कि हम अपने टारगेट्स मीट कर लेंगे, ऐसा कुछ फ्यूचरिस्टिक या पॉजिटिव कि हम अपने टारगेट्स मीट कर लेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हमारे टारगेट्स नहीं मीट होंगे। दिस इज नॉट अ सिविल सर्वेंट अप्रोच। अ सिविल सर्वेंट अप्रोच इज पॉजिटिव कि भाई हम टारगेट्स मीट करेंगे और ऐसे हवा में नहीं करेंगे, हमने बताया है कि हमने अभी तक क्या किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि गिवन द पेस ऑफ द टारगेट्स अचीव्ड सो फार, इट इज होप दैट इंडिया वुड अचीव इट्स टारगेट्स इन द गिवन टाइम फ्रेम, राइट? दिस इज अ पॉजिटिव नोट फॉर द कंक्लूजन ऑफ द आंसर। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, आंसर राइटिंग में पेपर कंप्लीट करना है, आंसर का स्ट्रक्चर, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। सेकेंड इज द प्रेजेंटेशन। There was a question on South China Sea lectures this year. So I had drawn the map of India, China and South China Sea. Right? This is presentation. When you draw maps, you are giving the examiner an idea. That is called a pata hai aisa kuch. Agar aapne yehi bata diya ki ye India hai, ye China hai, ye South China Sea hai, ye aapka nine dash line hai, ye string of pearls hai, it is clear to the examiner. Aapka answer padega bhi. बट टाइम को ध्यान रखिए। मैंने ये मैप तो बना दिया और पेपर कम्प्लीट करना है तो उसकी आदतें बदल। सो ये होती है प्रेजेंटेशन। आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे इट्स नॉट वर्किंग बट जैसे कुछ एक क्वेश्चन था इसे HS पे था इस बार, करप्शन को टैकल करने के क्या तरीके हैं ऐसा कुछ था। तो मैंने वो चार तरीके बताए थे, ऐसा स्क्वायर बनाया था, एक तरीका यहाँ बता दिया, एक यहाँ बता दिया, एक यहाँ बता दिया, क्या बता दिया, है ना। रादर देन राइटिंग इन पॉइंट्स मैंने उसको एक ऐसा स्क्वायर बनाया, एक ऊपर एक इधर, और उसको बॉक्स में क्लोज कर दिया। अब क्या है, जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो उसको दूर से मिल जाएगा कि अच्छा ये तरीके, है ना। सो प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, राइट? थर्ड इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट विच इज द कंटेंट। जितना आप पढ़ेंगे उतना आएगा, इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं।
कंटेंट आपका बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम हल्के मत लेना, कंपेटिटिव एग्जाम है, लोग बहुत पढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत पढ़ रहे हैं, तभी ऊपर तक आएंगे, ठीक है। सो दीज थ्री थिंग्स इन द आंसर। सेकेंड इज अनदर अप्रोच विच इज वेरी स्पेसिफिक टू मी, अपने बाकी लोग उसको यूज करते हैं कि नहीं। एच एस का मेन्स का आपको पता है ना कितने कितने क्वेश्चन होते हैं? नहीं क्योंकि मेरिट मतलब मार्क्स, तो जहाँ मार्क्स वहाँ नीचे से 26, 27, 28 से मैंने स्टार्ट करना है। देन आई गो टू क्वेश्चन 16 to 25, क्योंकि वहाँ भी 8 मार्कर्स हैं। देन आई शिफ्ट टू क्वेश्चन 1 to 10 विद गुड प्रेजेंटेशन डेलिब्रेटली, बिकॉज आई हैव टू गिव द एग्जामिनर एन इम्प्रेशन कि ये मैं ऐसा कैंडिडेट हूँ जिसके पास कंटेंट भी है और जिसके पास अच्छी प्रेजेंटेशन भी है। नीट आंसर्स पहले 10, फिर आप 11, 12, 13 को अगर नीट नहीं भी लिखोगे ना तभी चलेगा। तो पहले 10 स्मार्टली, पहले 10 क्वेश्चंस अच्छे, गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज द एग्जामिनर हैज टू ड्रॉ एन इंप्रेशन। वो पीछे से आपने तो पीछे से आंसर लिखा है, तो वो पीछे से नहीं पढ़ रहा, वो फर्स्ट पेज से पढ़ रहा है, तो नजर पढ़ते ही उसको लगे कि यार नीट एंड क्लीन, गुड प्रेजेंटेशन, गुड कंटेंट। फिर आपके अगले क्वेश्चन में आधा एक नंबर ज़्यादा मिलेगा, आप पीछे से अच्छा इंप्रेशन लेके आ रहे हैं, राइट। और 1 to 15 जो क्वेश्चन आपके होते हैं उसमें आप यू कैन चूज टू स्किप द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन पार्ट, क्योंकि स्पेस कम है, टॉक टू द पॉइंट। बट मैंने तो इसके में भी 5 शुरू के 5 सवालों में एक एक लाइन की इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दिया था, क्योंकि ऐसा भी नहीं एग्जामिनर को लगे यार ठीक है स्पेस कम है, और कुछ तो जिक्र कर, कुछ तो बता कि भाई इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो शुरू के 5 में आई डिड राइट, हालांकि स्पेस इज वेरी लेस, बट आई डिड राइट। सो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस यू कैन स्किप इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, बट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस द प्रेजेंटेशन हैज टू बी गुड। देन क्वेश्चन 16 टू 25 गुड इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, एंड लास्ट 3 क्वेश्चंस शुड बी द बेस्ट अटेम्प्टेड, क्योंकि 3 क्वेश्चंस में 60 मार्क्स आ गए हैं, वो तो अच्छे करना ही है। तो GS2 में तो फॉरेन पॉलिसी पे सवाल आने ही आना है, और मैं तो आपको अभी कहूँगा कि आज से ही मैप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए, समझ लीजिए इंडिया का मैप कैसे ड्रॉ होता है, और हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान, ईरान वाले एरिया आप ड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट लार्जली जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इससे रिवॉल्व कर रही है, वो रिवॉल्व कर रही है फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ टू द स्ट्रेट ऑफ मलाका। आपको पता है ये चीज़ें मैप पे कहाँ है ना? सो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से स्ट्रेट ऑफ मलाका तक आपको पता होना चाहिए सारा, क्योंकि इंडो पैसिफिक और क्वाड अभी दो चीज़ें आपको सवाल भी पता आएगा इसमें। सो अगर आप इंडिया को ड्रॉ करें और साउथ चाइना सी और थोड़ा सा पैसिफिक को ड्रॉ करें, मेरे माइंड में सारा मैप होता है, आपको शायद रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ये इंडिया, ये साउथ चाइना सी, ये पैसिफिक, अगर आप इसको ड्रॉ करें तो आप एग्जाम्पल को कैसे इंप्रेशन देते हैं, बट क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, राइट। सो आई थिंक आई हैव लार्जली कवर्ड एवरीथिंग।